सूरजपोल गेट बाहर स्थित प्रसन्न गणपति मंदिर के महंत फतेहगिरी महाराज मंदिर परिसर के आसपास की समस्याओं को लेकर प्रशासन की अनदेखी को लेकर शुक्रवार दोपहर में नाराज हो गए। नाराज महंत एकता सर्किल पहुंचे, जहां पर वे नग्न अवस्था में भरी दोपहरी में धरने पर बैठ गए। महंत के इस प्रकार नग्न अवस्था में एकता सर्किल पर बैठ जाने की जानकारी मिलते ही शहर में हलचल मच गई। उधर संत के एकता सर्किल पर नग्न अवस्था में बैठ जाने के कारण वहां से गुजरने वाले राहगीर तथा वाहन चालक भी सहम गए। संत को सर्किल पर बैठा देखकर बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए। इस दौरान यातायात भी बाधित हो गया। संत के धरने पर बैठने के करीब 2 घंटे बाद तक भी कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा मौके पर नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि संत मंदिर परिसर के आसपास व्याप्त समस्याओं तथा परेशानियों का प्रशासन द्वारा समाधान नहीं किए जाने से नाराज है। संत के अनुसार मंदिर के बाहर सड़कों पर बहते पानी, मंदिर परिसर के बाहर हाथ ठेले वालों का कब्जा, हाथ ठेलों पर होने वाली अवांछनीय गतिविधियों को लेकर वे कई बार जिला कलेक्टर तथा प्रशासन के अधिकारियों से मिले, लेकिन अब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। उल्टा आसपास में अवांछनीय गतिविधियां करने वाले उनके साथ हाथापाई तथा मारपीट करते हैं। संत के अनुसार शुक्रवार को भी किसी अज्ञात ने उनके साथ मारपीट कर डाली। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को भी संत जिला कलेक्टर के पास पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां से टरका दिया, जिसके कारण वे नाराज होकर एकता सर्किल पर पहुंचकर नग्न अवस्था में धरने पर बैठ गए। संत ने बताया कि मंदिर परिसर के बाहर एक हाथ ठेले पर होने वाली अनैतिक गतिविधियों को लेकर प्रशासन को शिकायत की गई, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने के कारण उसके हौसले बुलंद है। संत का आरोप है कि मंदिर परिसर में शौचालय निर्माण भी बाधा आ रही है, इसको लेकर भी प्रशासन से गुहार की गई, लेकिन अब तक इस ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संत ने बताया कि मंदिर परिसर के बाहर लोगों ने अवैध रूप से पार्किंग बना रखी है, जिसके कारण मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संत द्वारा एकता सर्किल पर धरना दिए जाने की सूचना पर डिप्टी राजेश कसाना, विश्व हिंदू परिषद के सुरेश वैष्णव तथा नितेश गोहल सहित अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचे तथा संत से बातचीत कर उन्हें मनाने का प्रयास किया, लेकिन संत अपनी जिद पर अड़े रहे। इस दौरान संत ने सीएम को मौके पर बुलाने की मांग तक कर डाली। खबर लिखे जाने तक डिप्टी कसाना तथा विहिप पदाधिकारी संत के साथ समझाइश जारी रही। और कार्रवाई सड़क पे जा रहा है, उधर सड़क पे पानी जा रहा है। अब भी अपना टका के आए, 11-11 मोटरसाइकिल हमारे यहाँ कड़क चलाया चला गया, 4 बार के पास जा चुके, अभी अभी अपना टका के आए। सड़क पे भी पानी जा रहा है और हमारा गठर भी नहीं बनने दे रहे। सामने तो जाट का ढेरा लगाए, जहाँ अयासी हो रही है, पुलिस को पकड़ाया, सब कुछ किया कभी, और जाटना का टीमें दे गए, चले गए। अभी लेट किसने मारा आपको? अभी लेट किसने मारा? सब चले जाते, अभी लेट बाजी हुई है। अभी लेट किसने मारा आपको? क्या मालूम गाँव का थे, आज कहा तक कहा था, चकलते जानते, बाकी में चाहे गाँव पूछते। कलेक्टर के पास गए, कुछ बोला? हाँ गए। क्या बोले? पूजा पाठ कौन करेगा? पूजा पाठ होगी तो होती रहेगी। आप कब तक बैठे रहोगे यहाँ? जब तक हमारा वो होगा, जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक महाराज जी कहीं बैठे रहेंगे। फतेहगिरी जी महाराज की जो डिमांड है वो वाजिब है सारी, कि उन्होंने साफ सफाई के लिए है, वो हमारा कर्तव्य भी है, ड्यूटी भी है, तो उनकी डिमांड सारी मान ली है और हम एक हफ्ते के अंदर अंदर जो भी है अतिक्रमण हटवा देंगे, गंदगी वगैरह जो भी है उनसे साफ करवा देंगे, और जो मंदिर की ज़मीन है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं रहेगा, ये हमारा प्रशासन का कर्तव्य है, हम करवा देंगे। इनकी मुख्य मांगे क्या रही सर? इनकी 3 ही मुख्य मांगे हैं। एक तो इनके पीछे जो मंदिर के पीछे ही गंदगी है उसको हटवाना है, वो हटवा देंगे। दूसरा इनका टॉयलेट कंस्ट्रक्शन करवाना है, वो उसमें देखते हैं कि मतलब कि मंदिर की कितनी ज़मीन है, वो करवा देंगे। और जो सामने इनके मंदिर के सामने अतिक्रमण है, जहाँ पे चाय की दुकानें हैं, जहाँ मतलब कि युवक कुछ लोग जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनको हमें हटवाना है, तो वो हम 7 दिनों के अंदर अंदर इनकी डिमांड को पूरा करेंगे और इनको संतुष्ट करेंगे। ये मंदिर के पास में नशे की भी शिकायत आए दिन करते रहते हैं ये महाराज? हाँ, अभी ये नोटिस में आया है, तो अब इसको जल्दी से जल्दी हम इसको समस्या को दूर करेंगे, और सभी के बीच में है तो पूरा प्रॉब्लम